اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. अशाफिया सोशल मीडिया व्हाट्सएप चैनल पे ये तीसरा सवाल ये है, अस्सलाम वालेकुम, मैं सूरह तारक का अमल कर रही हूँ, मैंने बहुत से वज़ाइफ किए हैं, उनके मौक्कलात बिगड़ गए हैं, बेटी की शादी की तो तलाक हो गई, बेटे की शादी की तो उसके घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, तीसरी औलाद यानी एक बेटी है उसका रिश्ता सिरे से हो नहीं रहा, लोग हमें सुकून से जीने नहीं देते, कोई ना कोई बात करते रहते हैं, हज़रत साहब मेरे बच्चों के लिए दुआ करें कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे और हमारे लिए आसानियां पैदा फरमाए। देखिए, मैंने जब पहले सवाल का जवाब दिया, मैंने तब भी तफसील के साथ ये बात की है कि रजत का इलाज या गलत वज़ाइफ पढ़ बैठे हैं तो उनका इलाज ज़माने में किसी आमिल के पास नहीं है। तो जब ज़माने में किसी आमिल के पास नहीं है तो मेरे पास होगा? मेरे पास भी नहीं है। तो मैंने क्या बात समझाई है कि उसका इलाज वज़ाइफ पढ़ने वाले के पास है। वो इलाज किसने करना है? जिसने वज़ाइफ पढ़े हैं। गलती उसने की है, तौबा उसने करनी है, आग उसने लगाई है, दुरूद ओ सलाम उसने पढ़ना है। तो बहरहाल ये बात मैं समझा रहा हूं कि लोगों पे तवक्को नहीं रखो, हमारे भी उम्मीदें नहीं रखो, हमारे पास कई शय नहीं, हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, हमने रास्ता दिखाना है और वो दिखा रहे हैं, वो नौकरी हम कर रहे हैं। तो हम भी आपके लिए दुआगो हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके लिए आसानियां पैदा फरमाए। वो तमाम हजरात जो सोशल मीडिया पर हमें सुनते हैं, जो इन मसाइल में या मिलते जुलते मसाइल में फंसे, अल्लाह उनके लिए भी आसानियां पैदा फरमाए। लेकिन जो बात मैं अर्ज कर रहा हूं, अपने दिल में उतार लें कि रजत का इलाज किसी रसाले में नहीं है, किसी चैनल पे नहीं है, किसी किताब में नहीं है, किसी आमिल के पास नहीं है और ना मेरे पास है। रजत का इलाज पढ़ने वाले के पास है। तौबा भी उसने करनी है, दुरूद ओ सलाम से आग जो लगाई है वो भी उसने बुझानी है, रिज़्क़े हलाल भी उसने कमाना है, पांच वक्त की नमाज भी उसने पढ़नी है, हसार भी उसने करना है, आंखों की हिफाजत भी उसने करनी है। ये पांच काम जो मैं बताता हूं ये उसने करने हैं, ये आमिल ने नहीं करने। तो इसलिए हम, आपने दुआ का कहा है, दुआ हम आपके लिए कर रहे हैं, हम सब आपके लिए दुआगो हैं। जो सोशल मीडिया पे सुनते हैं वो भी आपके लिए दुआ करेंगे इंशाल्लाह सुनने के बाद कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी परेशानियों को दूर अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। व्हाट्सएप चैनल अशाफिया सोशल मीडिया का जो दूसरा कॉमेंट है या सवाल है वो ये, अस्सलामु अलैकुम हज़रत साहब, अल्लाह पाक आपको लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए, आपके बयानात सुनकर बहुत कुछ सीखने को मिला है, आपका बताया हुआ सूरह तारक का 70 दिन वाला अमल मैंने किया है, अल्हम्दुलिल्लाह उससे मेरी तबीयत काफ़ी हद तक बेहतर हो गई है, मेरा दिमाग जो बिल्कुल काम करना छोड़ गया था, मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज़ हो जाती थी, दिल करता था जो सामने खड़ा हुआ है इसे मार दूं या खुद अपने आप को नुकसान पहुंचा लूं या खुद कुछ कर लूं, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक मेरी तबीयत में बेहतरी आई है और मैं साथ दुरूद पाक इस्तग़फ़ार की तस्बीहात भी कर रही हूं, रोज़ाना सदका भी करती हूं। दुआ करें बस अब मेरा शोहर मुझे इज़्ज़त के साथ अपने घर ले जाए और मेरा घर ख़राब होने से बच जाए। अगर पहला कमेंट या पहला सवाल सुना हो तो जिस तरह वज़ाइफ कर कर के बेड़ा गर्क वो एमफिल बच्ची का हुआ हुआ है, वही हाल इनका है। जो बातें मैंने उनको कही हैं वही बातें इनके लिए हैं, जो इलाज मैंने उनको बताया है वही इलाज इनके लिए है। बस थोड़ी सी मैं ये वजाहत करूँगा कि जो सूरह तारक का अमल आपने 70 दिन के लिए कर लिया है, अब आपने सूरह तारक आहिस्ता आहिस्ता करके कम करते आना है, अगर कम कर ली है तो फिर 3 पे आके आपने रुक जाना है। कितने पे आके रुक जाना है? 3 पे। अगर तो आप 70 बार ही पढ़ रहे हैं तो सूरह तारक को कम करते जाएं, हर हफ्ते 10 मरतबा कम करेंगे, हर हफ्ते 10 दफ़ा कम करेंगे, तो यूं कम करते करते आप 10 पे आ जाएंगे, फिर 10 से एकदम आ जाएंगे आप 3 पे ऊपर, 3 मरतबा सुबह, फिर 3 मरतबा शाम, अवलो आखिर 1 बार दुरूद इब्राहिम, ये सारी ज़िंदगी पढ़ेंगे। अगर आप सूरह तारक
तीन बार भी सारी जिंदगी नहीं पढ़ेंगे, एक बार सूरह तारा का अमल आपने कर लिया, उसके बाद आपने मुकम्मल छोड़ दिया या मुकम्मल बंद कर दिया, फिर सूरह तारा की रज्जत भी आएगी। और मैंने बारहा कहा है सूरह तारा के साथ ये खिलवाड़ किया तो मेरे पास नहीं आना। ये मैं बात मैंने पहले कही हुई है कि फिर मेरे पास आपने नहीं आना, मेरे पास इसका कोई इलाज नहीं है, ना किराया ज़ाया करें, ना अपना वक्त ज़ाया करें, ना हमें मैसेज करें, हमारे पास वक्त नहीं। हमने पहले बता दिया कि सूरत तारा की रजत फिर ये ख़त्म होने वाली नहीं है। इसी तरह वो हजरात जिन्होंने 111 बार किया है या किसी भी तादाद में पढ़ रहे हैं, वो जिस तरह ऊपर गए हैं ऐसे ही जब उन्होंने इलाज ख़त्म करना है, मुकम्मल बयान तलाश चैनल पर पड़ा हुआ है कि रजत का इलाज कैसे ख़त्म करते हैं, वो बयान सुने, तरतीब समझें, उसके बाद जब 10 पे आ जाएं, 10 से आगे आप 3 पे आ जाएंगे। 3 मरतबा रोजाना आप सारी जिंदगी पढ़ते रहेंगे, ये अमल भी हाथ में रहेगा। अल्लाह ना करे जिंदगी में कोई दोबारा का भी मसला हो तो आप ये अमल कर सकते हैं। दूसरा ये है कि आप जादू से, रज्जत से, नजरे बद से बचे रहेंगे और सूरत तारा की तासीर भी आपके पास रहेगी। ये बात हो गई। अगली बात है कि इसके साथ आपने दुरूद पाक कसरत के साथ पढ़ना है और इस्तगफार की सिर्फ एक तस्बीह करनी है, यानी ज़्यादा तस्बीहात जो आपने लिखी हैं मैं इस्तग़फ़ार की करती रहती हूँ उसकी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक तस्बीह इस्तग़फ़ार की करनी है, बकिया सारा वक्त क्या करना है दुरूद पाक पढ़ने। दो बातें होंगी। तीसरी और आखिरी बात यह है कि ये जो अमाल मैंने अभी आपको बना कर दिए हैं कि 5 वक्त की नमाज आप पढ़ेंगे खिजरी अमल के साथ, सूरह तारक आप पढ़ेंगे 3 बार सुबह शाम सारी ज़िंदगी, दिन रात दुरूद पाक पढ़ेंगे, एक तस्बीह इस्तग़फ़ार की करेंगे, ये जो 3 अमाल मैंने बताए, 2 परहेजें इसके साथ हैं, रिज़्क़ हलाल कमाना है और अपनी आंखों की हिफाजत करनी है। अब इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप ठीक हो जाती हैं, आपका शोहर भी आपको घर ले जाता है, आपका रिज़्क़ खुल जाता है, सेहत खुल जाती है, इज्जत मिल जाती है, या जो आप मांग रहे हैं, जब जो आपके मकसूद हैं वो हासिल हो जाते हैं तो आप दोबारा वज़ाइफ़ की दुनिया में आ जाएंगे। दोबारा वज़ाइफ़ की दुनिया में आए फिर कोई पुरसान हाल नहीं होगा। वो तमाम हजरात जो रज्जत में एक बार फंस गए हैं अब वो जिंदगी भर वजीफा नहीं कर सकते। वो 5 अमाल जो बार बार बताता हूं, हर बयान में बता रहा हूं, वो ये 5 अमाल जिंदगी भर करेंगे। जिंदगी में कोई तकलीफ, कोई मुश्किल, कोई गम, कोई रंज आ जाए, उस दुरूद पाक के अंदर ही नियत करेंगे, वजीफा नहीं कर सकते। यही वजीफा चलेगा इस्तग़फ़ार का, दुरूद पाक का। चाहे दुरूद पाक महज आखरत के लिए पढ़ें तो चाहे दुनिया के मकासद के लिए पढ़ें, पढ़ना आपको यही पड़ेगा। अर्ज़ करने का मकसद ये है, वो तमाम हजरात जिन्होंने कोई भी वजीफ़ा ज़िंदगी में किया या रज्जत में किसी भी तरह से फंस गए हुए हैं, एक बार उनको कैंसर हो गया है, अब सारी ज़िंदगी उन्होंने एहतियात के साथ गुजारनी, अब वो वज़ाइफ़ की दुनिया में नहीं आ सकते। अल्लाह मुझे भी आप समझ की जो है वो तौफीक अता फरमाए। अगला जो व्हाट्सएप चैनल का सवाल है, बल्कि वो ये है कमेंट, अस्सलाम वालेकुम हजरत साहब, मेरी बेगम को पिछले 3 साल से टांगों और पाँव में बहुत दर्द रहता था। अभी मैंने 2 सवालात के जो जवाब दिए हैं उनमें मैंने क्या कहा है, 5 अमाल, नमाज किसके साथ, खिजरी अमल के साथ। अल्लाह वालों मैं कितनी बार ये बात कहता हूँ कि आप लोगों को मालूम ही नहीं है कि खिजरी अमल की क्या शान है, खिजरी अमल की क्या शान है, ये कितनी बड़ी नेमत है। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक लाखों लोग 12-13 सालों के अंदर जो है इससे नफ़ा उठा चुके हैं। अब ज़रा सुनिएगा, अस्सलाम वालेकुम हज़रत साहब, मेरी बेगम को पिछले 3 साल से टांगों और पाँव में बहुत दर्द रहता था। जब से आपको सुनना शुरू किया मेरी बीवी दिन में 2 बार खिजरी अमल कर रही है, हालांकि मैं क्या कहता हूं हर नमाज के बाद। उन्होंने कितनी बार किया है, 2 बार। ये जो कमाल है ये 2 बार का है, तो 5 बार की क्या शान होगी। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से 2 हफ्ते में दर्द बिल्कुल ठीक हो गया है, और अभी उन्होंने जो डोज या जो तादाद हमने बताई है वो पूरी नहीं की। हम कहते हैं 5 बार पढ़ो, तो उन्होंने क्या किया, सुबह शाम, लेकिन सुबह शाम से भी अल्हम्दुलिल्लाह इतनी तासीर मिल गई कि जो 3 सालों से डॉक्टरों के पास रिलो खार हो रहे थे, दर्द था टांगों में और पाँव में, वो बिल्कुल ठीक हो गया है। हमने 3 साल में, देखिए आगे वही बात वो लिख रहे हैं, हमने 3 साल में कोई डॉक्टर, कोई हकीम, कोई दवाई नहीं छोड़ी। मैं खुद 5 वक्त का नमाजी हूँ और खिजरी अमल का एहतमाम करता हूँ। अल्लाह आपको लंबी और सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको भी सलामत रखे कि आप
पांच वक्त की नमाज पढ़ते रहें, खिजरी अमल करें, अपने घर वाली को भी कहें कि वो पांच वक्त की नमाज पढ़ें, खिजरी अमल करें। जिन दिनों में उन्होंने नमाज नहीं पढ़नी तो नमाज के वक्त में खिजरी अमल औरतों ने पढ़ते रहना है, वजीफे की नीयत से, हसार की नीयत से। तो इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत हिफाजत जो है वो फरमाएगा। तो वो तमाम हजरात जो जादू में मुबतला हैं या जादू की वजह से बदन में दर्दें होती हैं, बैठने उठने में तकलीफ होती है, उन सब के लिए क्या है कि खिजरी अमल पढ़ के पानी पे दम करके उस पानी के साथ नहाएं, कच्ची जगह पे खड़े होके, जहाँ कच्ची जगह नहीं है, फ्लैट्स हैं वहाँ टब में नहा लें, और टब वाला पानी जो है दीवार पे डाल दें, छत पे डाल दें। इसी तरह पानी दम करके वो पानी मुतासर जगह जहाँ दर्द होती है उस पर लगाएँ, पूरे बदन पर लगाएँ। इसी तरह अगर नहाना मुमकिन नहीं है तो कम से कम टब रख के तो खिजरी अमल वाला जो पानी है उसे दिन में एक बार दो बार वजू कर ले, ठीक है। और अगर कोई माजूर पेशेंट है, यानी बिल्कुल मरीज ऐसा है, पैरालाइज्ड है, उठ नहीं सकता, वो नहा नहीं सकता, वजू नहीं करवा सकते, तो उसके लिए क्या है कि दम किया हुआ पानी सारा दिन पीते रहें। कोई दवाई खाते हैं अपनी, कोई भी मामूल की है, शुगर की, ब्लड प्रेशर की, कोई भी किसी सिलसिले की दवाई आप लेते हैं किसी भी सिलसिले में, तो वो दवाई जो है, मेडिसिन भी इसी खिजरी अमल वाले पानी के साथ आप इस्तेमाल करें। फिर आप देखें कि इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत जो अपने कलाम की बरकत से शिफा कैसे अता फरमाता है। अगला जो है खिजरी अमल के हवाले से ही है। अस्सलामु अलैकुम हजरत साहब, अल्लाह पाक आपको बहुत जजाय खैर अता फरमाए। मैंने आपको अपने मसलों की वजह से बहुत परेशान किया है, आपने मेरी बड़ी हिम्मत बढ़ाई और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बरकत से आज मैं बहुत पुरसकून हूँ। अल्लाह ताला आपको अजर अजीम अता फरमाए। खिजरी अमल की बरकत से मेरी ज़िंदगी आसान हो गई है, ज़िंदगी आसान हो गई है, घर के लड़ाई झगड़े रुक गए हैं। मुझे यकीन है जो कुछ थोड़ा बहुत रह गया है वो भी इसी खिजरी अमल की बरकत से ठीक हो जाएगा, बराए करम मजीद के लिए रहनुमाई फरमाए। तो लवली मैंने रहनुमाई क्या कहनी करनी है, आपने आखिरी फिक्रे में खुद ही ये कहा है कि मुझे उम्मीद है कि जो थोड़ा बहुत रह गया है वो भी ठीक हो जाएगा। तो मेरा अर्ज़ करना या मेरी रहनुमाई इतनी है कि जो खिजरी अमल आप पढ़ रहे हैं ये एक दिन का अमल नहीं है, दस दिन का अमल नहीं है, साल का अमल नहीं है, ये तादम मौत का अमल है। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगाएं कि चंद दिन आपने खिजरी अमल किया है तो अल्लाह ने इतनी बरकतें कर दी हैं, जब चार पाँच साल मुसलसल आप पढ़ते रहेंगे आप अंदाज़ा करें कि आपकी ज़ुबान में कितनी तासीर होगी, कितनी तासीर होगी। मैं एक बात बस कह के तो इस बात को ख़त्म कर देता हूँ ताकि बाकी वक्त जो दूसरे अमाल को देना है। खिजरी अमल के अंदर आप सात चीज़ें पढ़ते हैं, कितनी? सात। आप सूरत फातिहा पढ़ते हैं, आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं, चारों कुल पढ़ते हैं, तीसरा कलमा पढ़ते हैं, और हर जो सूरत है उसको बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ पढ़ते हैं, और अवलो आकर दुरूद पाक पढ़ते हैं। मैं सिर्फ मोटी बात जमाली तौर पे बता रहा हूँ, मैं गहराई में नहीं जा सकता, वो तो एक अलग मौजू है और उसके लिए क्यामत तक के लिए वक्त भी हो तो हक अदा नहीं हो सकता खिजरी अमल का, खिजरी अमल के इतने फजाइल हैं। अब आपने खिजरी अमल पढ़ा हर नमाज के बाद, अलावा चार पाँच महीने के बाद जब आपके ज़ुबान में, रूह में इसकी तासीर आ जाएगी, आपको क्या इनाम मिलेंगे? आप सबसे पहले दुरूद पाक के आमिल बन जाएंगे। सात मरतबा दुरूद पाक अवलो आखर पढ़ेंगे, दुरूद पाक के आप आमिल बन जाएंगे। हर सूरत किसके साथ पढ़ेंगे? बिस्मिल्लाह शरीफ के आमिल बन जाएंगे। आप सूरत फातिहा के आमिल बन जाएंगे, आप आयतुल कुर्सी के आमिल बन जाएंगे, आप सूरतुल काफिरून के आमिल बन जाएंगे, आप सूरत इखलास के आमिल बन जाएंगे, आप सूरह फलक के आमिल बन जाएंगे, आप सूरह नास के आमिल बन जाएंगे, आप तीसरे कलमे के आमिल बन जाएंगे, नौ आमाल के आप आमिल बन जाएंगे। अल्लाह वालों यही तो मुझे गुस्सा आता है जब बताते हैं हजरत साहब कुछ और बता दें, भाई नौ अमाल इस दौर में मुझे कोई आमिल बताओ जिसके पास नौ अमाल हो। अब आप आमिल बन गए हैं, आपने दो साल चार साल इसको पढ़ा, तासीर आ गई, गुनाहों से बचते हैं, अब आप आयतुल कुर्सी से भी काम लें, बिस्मिल्लाह शरीफ से भी काम लें, दुरूद पाक से भी काम लें, सूरह फलकनास से भी काम लें, इतने आमाल आपके पास हो गए, मुझे बताओ आपको सूरह मुजम्मल, सूरह हशर, सूरह तौबा या दाएं बाएं और जो आमाल हैं क्या वो करने की ज़रूरत रह गई है? इस दौर में नौ आमाल ही आप संभाल लें तो अल्लाह वालों आप चलते फिरते अल्लाह के भली हो। बात वही अल्लाह वालों आ जाती है मेरे शेख रहमतुल्लाह अलैह की कि मुफ्त फैज़ की कदर नहीं। खिजरी अमल मिल गया है मुफ्त, हमें जब खिजरी अमल अता हुआ
तो हमने 7 साल जिन्ना से जंग लड़ी है, 7 साल। जिन नजर आ जाए ते क्या वो कहते हैं पिता पानी एक हो जाता है। ख्वाब में जिन नजर आ जाए ना तो जब तक बंदा 500 बंदियां नु सुबह ख्वाब सुना ना ले, सदका दे ना ले, तो चैन नहीं आता और महीना महीना डर नहीं खत्म होता। और हमने 7 साल तू बतू जंग लड़ी है, कतलो गारत दिन रात। फिर जंग ये नहीं कि एक लम्हे की है, दिन रात लड़ी है, या तुम नहीं हो या हम नहीं है, वो वाली जंग लड़ी है 7 साल। 7 साल के बाद जाके फिर उम्मत को दिया है कि भाई ये करो, ये जो तरतीब हमने बना के दी, जो खिजर अलैहि सलाम की अता है, अब करो। कलाम पहले भी अल्लाह का था, कलाम अब भी है, लेकिन जो इसके साथ हमारी कुर्बानियां शामिल हो गई, अल्लाह उन कुर्बानियों के सदके जो पड़ेगा अल्लाह रंग लगाएगा उसे। कलाम तो अल्लाह का है, जिस तरतीब से हमने बताया इसी तरतीब से आप पढ़ के देखो, देखो कर्म कैसे होता है। जादू ना टूटे, बंदिश ना खोले, बीमारियां ला इलाज ना खत्म हो, रिश्तों का मसला हल ना हो, घर में लड़ाई झगड़े ना खत्म हो, हमारे से आप बात करें। पढ़ने वाले बनो, आप पढ़ने वाले बनो। तो अल्लाह इस अमल को आप मुसलसल करते रहें, जो हजरात नहीं कर रहे वो भी करें, तमाम हजरात। अल्लाह आज के दौर में हसार के बगैर कुछ हाथ नहीं आएगा, बल्कि जितनी आप इबादत भी करेंगे, जो अमाल भी करेंगे, वो अमाल से आपको नफ़ा कम तो नुकसान ज़्यादा होगा। सबसे पहले हसार, उसके बाद कोई काम है, चाहे कुरान पढ़ो, चाहे कोई और वजीफा है, कोई चिल्ला है, जो कुछ भी करना है पहले हसार है। ये आवाम के लिए भी है और खवास के लिए। तमाम हजरात से अपील भी मैंने कर दी, तमाम हजरात को खिजरी अमल की इजाज़त भी है। जो पहले पढ़ रहे हैं अल्लाह उन सबको इस्तकामत अता फरमाए, जो आज पहली बार सुन रहे हैं वो भी खिजरी अमल का एहतमाम करें, और जिनको मालूम नहीं है खिजरी अमल क्या है तो उनके लिए ये खिजरी अमल का बयान आरजू चैनल पर अपलोडेड है, वहाँ से आप सुन लें तो आपको मालूम हो जाएगा खिजरी अमल क्या है। तो इजाज़त मैंने आप तमाम हजरात को दे दी है, क़यामत तक के लिए इजाज़त है। जो भी सुने अल्लाह सब की जो है वह झोलियों को भर दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। बाकी दिगर जो आमाल हैं उनका ताल्लुक दूसरे मौजू के साथ है। तो जो व्हाट्सएप कम्युनिटी के थे 4-5 जो सवालात थे या उनका फीडबैक आया हुआ था, उनके मैंने जवाबात जो है वो दे दिए हैं। इसमें से एक दो और रहते हैं, वो भी मैं इसी के साथ जो है वो क्लियर कर देता हूँ। अस्सलामु अलैकुम हज़रत साहब, मैं आपका सूरह अलम नशरा 70 बार और या लतीफ़ू का अमल कर रही हूँ, यानी दो अमाल हैं, दोनों जमाली हैं, इसलिए उनको इकट्ठा करके करने की इजाज़त दे दी होगी। 70 मरतबा सूरह लम नशरा और या लतीफ़ू वाला अमल कर रही हूँ। आज नमाज फजर के बाद खिजरी अमल और सूरत अलम नशरा पढ़ के मैं सो गई, तो मैंने ख्वाब में देखा कि बारिश हो रही है और रात का वक्त है यानी अंधेरा है, और आपकी टीम बारिश में एक गाड़ी में मौजूद है, यानी जो हमारी सोशल मीडिया की जो टीम है जो सारे ये बयानात को कवर करके मखलूक खुदा तक पहुंचा दी, उनके बारे में बात कर रहे हैं। आपकी टीम जो है बारिश में एक गाड़ी में मौजूद है और लोगों की लंबी लाइनें लगी हुई हैं, इन लोगों के पास बर्तन हैं और आपकी टीम के लोग इन लोगों को बर्तनों में दूध डालकर दे रहे हैं। मैं ये मंजर देख कर कहती हूँ कि ये हजरत जी की टीम, ये हजरत जी की टीम है, कितने नेक लोग हैं जो मजबूर और ज़रूरतमंद लोगों की मदद के लिए निकले हैं। हज़रत साहब इस ख्वाब की ताबीर क्या है? जो आपने लिख कर हमें भेजा है इसके अंदर ही तो जवाब है कि बेटे हम आपकी खिदमत ही तो कर रहे हैं और हम आपसे पैसे तो मांगते नहीं हैं, और माशाल्लाह आपने भी कभी भेजे नहीं हैं। अगर हम मांगते नहीं हैं, असी मंगते नहीं, तो ये देंदे नहीं। वो कहते हैं ना रब देवे तो बंदा लेवे, इन्होंने भी कहा कि ये मंगते नहीं है, इन्होंने देने भी नहीं, इन्होंने तुन के मारो, समझ आई ना। तो हम आपसे कुछ मांगते तो है नहीं, हम जो भी कर रहे हैं हजूर अलैहिस्सलाम की नौकरी कर रहे हैं, अल्लाह कबूल फरमाए, सरकार अलैहिस्सलाम अपनी बारगाह में इस कोशिश को मेहनत को कबूल मंजूर फरमाएं। और जो अमाल बताते हैं महज अल्लाह की रजा के लिए बताते हैं कि आप हजरात जिन तकलीफ़ों में मुसीबतों के अंदर हैं, अल्लाह उन तकलीफ़ों से मुसीबतों से आपको जो है वो खुलासी अता फरमाए। अगला और आखिरी है, अस्सलामु अलैकुम हज़रत साहब, जज़ाकल्लाह खैर, आपने हमें गाइड किया, मैंने सूरह तौबा वाला अमल शुरू किया है, माशाल्लाह इस अमल की बहुत बरकतें नसीब हुई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुकून ही सुकून है, पूरा दिन मैं दुरूद पाक और इस्तग़फ़ार की पाबंदी करती हूँ, नमाज 5 गाना अदा करती हूँ। अल्लाह पाक आपको सेहत अता फरमाए और आपको हमेशा सलामत रखे। कितने लोगों की परेशानियाँ हैं जो आपने हल की हैं, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। यानी ये सूरह तौबा का अमल कर रही हैं,
सूरह तौबा का अमल कर रहे हैं, सूरह तारा का अमल कर रहे हैं, सूरह इखलास का अमल कर रहे हैं, सूरह मुजम्मिल का अमल कर रहे हैं, सूरह हशर का अमल कर रहे हैं, ये जो बड़े बड़े अमाल हैं या दीगर जो छोटे छोटे वज़ाइफ मैंने बताए हुए हैं उनमें कोई भी आप कर रहे हैं, तो मेरी आखिरी बात वही है कि कोई भी अमल आज के दौर में हसार और कड़े के बगैर नहीं करना, चाहे मैंने ही बताया हो, चाहे मैंने ही बताया, मैं किसी की बात नहीं कर रहा। आज के दौर में पहले तो वज़ाइफ करने नहीं है, और अगर करने पड़ भी गए हैं अपने हालात या मजबूरियों की वजह से, तो फिर क्या है, हसार करके करेंगे। तो क्या है, हर नमाज के बाद खिजरी अमल का हसार करें और दिन रात दुरूद पाक पढ़ें, इस्तग़फ़ार करें, एक तस्बीह, आँखों की हिफाजत करें और रिज़्क़ हलाल कमाने की कोशिश करें। इस सब वो तमाम हज़रात जो सूरह तौबा का अमल कर रहे हैं, जब सूरह तौबा का अमल मुकम्मल हो जाए तो फिर 21 बार सुबह, 21 बार शाम, सारी ज़िंदगी पढ़ते रहना, ताकि ये अमल हमारे हाथ में रहे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इस कोशिश को कबूल मंजूर फरमाए। वो तमाम हज़रात जो हमें लिख कर भेजते हैं, अल्लाह उनकी परेशानियों को भी दूर अता फरमाए। सुभान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।